भाई कौन कौन सा पान है? मीठा पान है, फायर पान है, चॉकलेट पान है, पाइन एप्पल पान है, गवावा पान है। ये चूरमा लड्डू है, चूरमा चूरमा चूरमा। ये बाटी है, बाटी हाँ जी पता है। ये दाल है, ये दाल। पापड़ चिप्स, रोस्टेड चिप्स। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के बजे हैं 8:30 और हम आ गए हैं सेक्टर 34C में। यहाँ पर ना एक फेयर लगा, मेला है अभी, देखते हैं अंदर जाके। हमने एक राउंड किया है बाहर से ही, तो मुझे लगता था कि ये आप लोगों को दिखा देना चाहिए, हमें अच्छा व्यू लगा, तो अंदर जाकर आपको दिखाएंगे कि मेले में क्या क्या है। मेरे साथ ही साथ में उन्होंने कैमरा पकड़ा है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर साथ में और देखते हैं क्या है। ये दोस्तों है 34C सेक्टर, और ये वहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राउड है। ये सारी पार्किंग है और ये बिल्कुल भरा हुआ है सारा। देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से टिकट काउंटर बना हुआ है। अगर आप अंदर चाहते हो सिंपल घूमने के लिए तो टिकट करनी पड़ेगी, वो हम टिकट करेंगे। अभी हमें पता नहीं क्या प्राइस है, जब टिकट कर लेंगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से कुछ एंट्री है, कुछ नीचे से जा रहे हैं, कुछ ऊपर। ये बहुत अच्छा प्लेन बना रखा है, और प्लेन में देखते हैं क्या है। दोस्तों इस प्लेन पर लिखा है सिंगापुर एयरलाइंस, और मैं आपको बता दूँ कि इस कार्निवल का जो थीम रखा गया है वो है सिंगापुर वैली, तो उसी के लिहाज से इन्होंने सिंगापुर एयरलाइन इसको नाम दिया है। देखने में बिल्कुल प्लेन जैसा लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं टिकट काउंटर पर जाकर कि टिकट प्राइस पर हेड क्या होगा। दोस्तों टिकट 50 रुपीज़ है, 4 साल के ऊपर के बच्चे की 50 रुपीज़ टिकट है। आप देख सकते हो ये जस्ट एंट्री टिकट है। ये काउंटर पे लगा रखा है पानी वाला पंखा, और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। रंजीत टिकट कर रहा है, तो तब तक हम एंट्री पॉइंट पे खड़े होते हैं, आपको बाकी दिखाते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, सब टिकट कर रहे हैं। सुखविंदर ने मुझे बताया था कि सर मुझे यहाँ पर आके जो सबसे अच्छी बात लगी वो लगी कि डिसिप्लिन। जैसे हम लेक पे गए ना, तो इसने देखा कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी। अकेली सरकार इसको मेंटेन नहीं करती, हमारी भी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पे भी हम जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफाई है और बड़ा डिसिप्लिन है। तो चलिए टिकट हो गई है हमारी, अब हम जाएंगे अंदर। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको मैंने एरिया दिखा दिया है, उसके बाद टिकट करने के बाद इस तरह लाइन लगी है, और लाइन के बीच से होते हुए आप जाओगे फ्लाइट। एंट्री बहुत अच्छी की है इन्होंने कि फ़्लाइट में से होते हुए आप दूसरी तरफ जाओगे मेले में। दोस्तों जो लोग चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि सेक्टर 34 में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन ग्राउंड है, और जब भी कोई फेयर मेला, सरस मेला या कार्निवल होता है तो इसी ग्राउंड में लगता है। और ये जो मेला है जिसे हमने बताया अभी आपको कि इसका नाम है सिंगापुर वैली, और ये मेला भी यहीं पे सेक्टर 34C में लगा है। और इसकी टाइमिंग की बात करें इवनिंग में 4 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक ये मेला चलता है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हमेशा रहती है। तो इस तरह से उन्होंने कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया है, सामने बनाया है प्लेन। अगर आप प्लेन में चढ़ते हो तो दूसरे देश में जैसे पहुंच जाते हैं, बाहर से प्लेन में चढ़ो और आप अंदर आ गए हैं मेले में। तो ये है मेले का एंट्री पॉइंट, अभी हम आपको अंदर लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ से शुरुआत हो जाती है, भीड़ मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों ये है एफिल टावर, आपने देखा होगा, तो ये उसका एक नमूना बना रखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, ज़्यादा आवाज़ बीच में नहीं आ रही। काफ़ी दोस्तों डेकोरेशन के पीस इन्होंने बना रखे हैं, तो शोर यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है काफ़ी, उस कारण से आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये लिखा हुआ है आई लव चंडीगढ़।
तो देखते हैं ये टॉप्स वगैरह दिखाते हैं आपको। दोस्तों आपको यहाँ पर हर तरह की गेम्स खेलने के लिए मिल जाएंगी, उसके बाद आपको हर तरह के फूड यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएंगे जो अपनी अपनी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत सी शॉप्स और काफ़ी अलग अलग प्रकार के फूड्स। यहाँ से ना दोस्तों शुरू हो जाते हैं फूड, राजस्थानी फूड है, आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो आप, और काफ़ी तरह की मिठाइयों के काउंटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या क्या भैया आपके पास, क्या क्या है? राजस्थानी थाली है सर। राजस्थानी थाली है जी, जिसमें चूरमा है, बाटी है, दाल है, गट्टे की सब्जी है, लहसुन की चटनी है। प्याज प्राइस है थाली का 250 है सर। मिक्स देते हो, एक ही प्राइस है थाली का या अलग अलग है? दाल बाटी चूरमा 200 का है। 200 की है दाल बाटी चूरमा। हाँ, उसके अलावा थाली है राजस्थानी पूरी। ओके, चूरमा, बाटी, दाल, बताओगी ये क्या क्या है, बता दूँ जोर से बोलना। ये चूरमा लड्डू है। क्या है? चूरमा। ये बाटी है। बाटी, हाँ जी इसको पता है। ये दाल है। ये दाल होगी। ये गट्टे की सब्जी हो गई। ये बेसन के गट्टे की सब्जी है ना जी? तो ये बेसन की। ये मावा कचौरी। ओके, प्याज कचौरी। हाँ कचौरी। ये मिर्ची बड़ा हो गया। ये तो पकौड़े हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं। समोसा भी लोकल है। ये मूंग दाल कचौरी। ये कचौरी है कौन सी, सिंपल या प्याज वाली? मूंग दाल की कचौरी। और ये लस्सी है। ये क्या है? ये मूंग दाल पकौड़ी है। तो ये सारी चीजें हैं ना जी सर? कोई एक चीज भी ले सकते हो कचौरी के अलावा? बिल्कुल ले सकते हो सर। दोस्तों खाने पीने की शॉप्स के अलावा यहाँ पर आपको बहुत से कपड़ों की शॉप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की काफ़ी शॉप्स आप यहाँ पर देखोगे, और इसके साथ साथ आपको बच्चों के टॉयज़ के लिए बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर मिल जाएंगी, और काफ़ी अच्छे प्राइजेस पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी आपको बस आनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं ये मेले में, ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे, हमने आपको बता दिया 34C में, और काफ़ी इन्जॉयमेंट है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना सॉन्ग बड़ी ऊंची आवाज़ में चल रहे हैं, जिस कारण से हमारी आवाज़ पता नहीं आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ज़्यादा हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं। जो करेंगे हम शॉप और मेला आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या क्या है, जो चीज़ें खाने के लिए, ख़रीदने के लिए, और झूलों वाला सेक्शन वो सारा हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और बाकी का मेला आपको दिखाते हैं। क्या क्या है आपके पास? पापड़ से सर, रोस्टेड चिप्स हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम मेले में थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों के टॉयज़, गेमिंग और झूलों के सेक्शन।
जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे एक साइड पे आपको पूरा सेक्शन मिलेगा जिसमें आप तरह तरह के अनगिनत झूले देख पाओगे। दोस्तों इस कार्निवल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आप शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जब मर्जी चले जाओ आपको इसी तरह से सारे कार्निवल में भीड़ दिखाई देगी। और जो सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक किसी भी एज ग्रुप के लोग हों उनके लिए कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए आपको मिल जाएगा, छोटे बड़े झूले हर चीज़ की राइड आपको करने के लिए मिल जाएगी। तो काफ़ी कुछ है इस मेले में देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। कौन सा पान है? मीठा पान है, पायर पान है, चॉकलेट पान है, पाइनएप्पल पान है, गवावा पान है, रोमियो पान है, डिस्को पान है, कैसा भी पान खा सकते हैं। क्या प्राइसेस हैं इनके अलग अलग? अलग अलग प्राइसेस क्या है? 50 है, 70 है, 100 है। विदाउट सुपारी ये पान है, विदाउट सुपारी जिसे पहले खाती थी मीना कुमारी, आज आ गई आपकी बारी, ये लीजिए। आपका ध्यान किधर है? आपका पान इधर है, आइए, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खा सकता। दोस्तों अभी हम आ गए हैं 34 सिटी मार्केट में। यहाँ पे काफ़ी सुना है कि खाने पीने के लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे होती है और एंजॉय करने के लिए भी, तो बिल्कुल जहाँ पे हमने यहाँ पे एक मेला लगा था वो मेला देख के आए हैं। उसके बाद देख सकते हो आप, ये मेरे पीछे सारी मार्केट है और इस मार्केट में हमें यहाँ से शुरुआत हो जाती है मार्केट की। और तकरीबन ये सारा एरिया जहाँ तक आप देख रहे हो ना, यहाँ तक ये सारा इसमें मैक्सिमम शॉप्स जो हैं वो खाने पीने की हैं। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भी भीड़ रहेगी। तो दोस्तों कार्निवल को देखने के बाद कार्निवल के बाहर बनी 34C की मार्केट में हम आ गए, ताकि आपको इसका भी एक सीन दिखा सके। रात के बज रहे हैं 10, तो भीड़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि सबसे फेमस मार्केट में से ये मार्केट मानी जाती है, और मैक्सिमम फूड कॉर्नर फूड शॉप्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो हमने भी डिसाइड किया कि यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मेरे कज़न ने मुझे बताया था कि चंडीगढ़ की सबसे फेमस जो चाट की शॉप है वो यहीं पर आपको मिलेगी, तो हमने वहाँ जाकर कुछ खाने के लिए अपना ऑर्डर किया और यहाँ की फेमस चाट टेस्ट की। तो आप भी जब भी चंडीगढ़ आते हो या फिर लोकल चंडीगढ़ से हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पक्का पता होगा। तो कृष्णा चाट भंडार से आप जाकर कुछ भी अच्छा फूड इंजॉय कर सकते हो।
दोस्तों अपने चंडीगढ़ टूर के दौरान पहली वीडियो कार्निवल की हमने इसलिए डाली ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि ये 1.5 से 2 महीने के लिए ही होता है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ चंडीगढ़ सीरीज के पार्ट 1 में। तो इस मेले के दृश्य के साथ छोड़ जाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।